नमस्कार, मैं श्वेता आपका द खबरदार न्यूज टॉप 10 में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों पर। नर्मदापुरम सीएमओ ने गजल पढ़ी, भूख है तो सब्र कर, कांग्रेस बोली ये सरकार पर तंज, बीजेपी नेता ने कार्यवाही के लिए लिखा लेटर। बैठक में दुष्यंत कुमार की एक गजल पढ़ी, इसका वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर लगाया है। पूर्व मंत्री धाकड़ के बेटे के खिलाफ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, गाली गलौज करने का आरोप। शिवपुरी जिले के पोहरी में पूर्व राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ के बेटे जीतू धाकड़ के खिलाफ बजरंग दल समेत अन्य हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। एमपी में 35,000 से अधिक पेंडेंसी, भोपाल में शनिवार रविवार को भी होगी कार्ड की छपाई। इंदौर के यूट्यूबर ओ इंदौरी को रेप केस में जमानत, तलाकशुदा पीड़िता का कम उम्र से बड़ा होना 2021 में दर्ज कराए केस में समझौता। इंदौर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रॉबिन जिंदल उर्फ ओ इंदौरी को दुष्कर्म केस में 2 दिन पहले हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। शहडोल के बाद सागर में समीक्षा बैठक, अब तक 7 संभागों की बैठक हो चुकी है। 9 कलेक्टर 1 कमिश्नर का तबादला भी हुआ है। सीएम अब तक 7 संभागों की समीक्षा कर चुके हैं और बैठक के पहले व उसके बाद 9 कलेक्टरों व 1 संभागायुक्त को हटाया गया है। जन आभार यात्रा के बाद सभा को संबोधित करेंगे, कलेक्टर ऑफिस के संभागीय बैठक लेंगे। यात्रा में उन्होंने तलवार और गदा घुमाई, पीटीसी ग्राउंड में सभा करेंगे। इसके बाद कलेक्टर कार्यालय में संभागीय बैठक लेंगे। भोपाल बीआरटीएस कॉरिडोर आज से हटेगा, सेफ्टी के लिए 1.5 मीटर एरिया कवर्ड करेंगे, सोलर लाइट लगेंगी। पार्टी विरोधी गतिविधि करने पर एक्शन, कांग्रेस ने पार्टी के 150 नेताओं को भेजा कारण बताओ नोटिस। अनुशासन समिति की शुक्रवार को बैठक में इसके सदस्यों ने विधानसभा चुनाव लड़ने वाले पार्टी के बागियों को बाहर का रास्ता दिखाने के फैसले का समर्थन किया है। 11,000 राम भक्तों ने श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया, सीएम बोले अफगानिस्तान तक अखंड भारत होगा। शनिवार को भोपाल के संत हिरदाराम नगर में हेमू कॉलोनी स्टेडियम में 11,000 राम भक्तों ने श्री हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया। कई जन्मों के बाद आई है अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की बहुप्रतीक्षित घड़ी आ गई है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी बड़ी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।